हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली। मैं घर से लेट हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्टेशन पे आके ब्लॉग स्टार्ट करूंगा। और आज से हम डेली ब्लॉग डालने की सोचेंगे नहीं, हम करेंगे यार, से डेली ब्लॉग डालेंगे हम। तो चलिए, अभी ट्रेन आएगी, ट्रेन में मैं जाऊंगा, फिर बुराड़ा भाई आ जाएगा। भाई ट्रेन मिल चुकी है फाइनली। अभी ट्रेन रुकेगी अगला स्टेशन है जो बुराड़े में रुकेगी, और वहां से भाई बैठेगा, मेरे साथ जा रहा है मेरे मामा जी का लड़का नवीन और मेरा बड़ा भाई है। तो फिर हम जाएंगे गाजियाबाद से जाएंगे नोएडा, और कल कब लोग देखते हैं फिर कहां का पड़ता है। फाइनली ट्रेन चल चुकी है यार, देखते हैं कितने टाइम में हम बुराड़ा पहुंचते हैं। भाई आ चुका है, भाई ने दाढ़ी देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रखी है। तो चलिए फिर अभी हम जाएंगे गाजियाबाद, ये ट्रेन रुकती कहाँ तक रुकती जाएगी देखते हैं। तो गाइज अभी हम जा ही रहे थे ट्रेन में, और अभी स्टेशन पता नहीं कौन सा ये, और पीछे किसानों ने यार धरना लगा रखा है रेल की पटरी के ऊपर, और ट्रेन रुक चुकी है। और अभी देखते हैं हम कितनी देर में चलते हैं, कितनी देर में नहीं चलते, मुझे नहीं लगता कि ट्रेन चलेगी। तो देखिए पीछे ट्रेन रोक दी है, और देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। यहाँ पे सभी उतर चुके हैं, मुझे भी, मैं भी सॉन्ग सुन रहा था लीड लगा के, तो मुझे पता लगा कि आगे किसानों ने गाड़ी रोक दिया, तो मैं भी गाड़ी से उतर के आया। पहले ही मैं लेट था यार सुबह, अभी देखते हैं फिर कितना टाइम लगता है। अरे बालिंदर है वो भाई, वो बालिंदर है, बालिंदर है, अरे लगता। तो फाइनली यार गाइस चल चुकी है गाड़ी, 10 मिनट हो गए थे गाड़ी रुके। अभी पुलिस वालों ने कहा कि यार हट जाओ, ट्रेन का शेड्यूल सारा बिगड़ देगा। तो किसानों ने यार अपनी वो चादर वगैरह उठा ली थी वहां से। तो चलिए अभी ट्रेन चल चुकी है फाइनली। तो यार गाड़ी फिर रुक चुकी है, थोड़ी सी चली थी बस 5 मिनट गाड़ी चली, उसके बाद गाड़ी फिर रुक गई। देखते हैं कितना टाइम और लगता है, इंतजार ही कर रहे हैं अभी। तो अभी मुझे लग रहा है शाम तक शायद गाड़ी नहीं चलने वाली 4 बजे तक, क्योंकि हम जब वहां से अमृतसर से आ रहे थे तब भी जाम लग गया था रास्ते में, और तब भी फंस गए थे हम गाँव में से आके, बहुत मुश्किल से निकले थे। देखते हैं कितनी देर में खुलता है ये, और कितनी देर में हम पहुंच पाते हैं। तो गाइज अभी हम खड़े हैं मंसूरपुर में, और हमने अभी गार्ड से बात किया बाहर आके, गार्ड कह रहा है कि रोड भी बंद पड़ा है, वरना हम रोड से चले जाते। और यार इस गाड़ी में ना बहुत सारे बंदे होंगे अंदर, कोई बीमार होगा, कोई कुछ भी हो सकेगा। आप बताओ क्या ये सही है या गलत है, आप बताओ। मुझे तो पता है कि ये सही है या गलत है, पहले आप बताओ कि ये सही है या गलत है। चलो अभी भाई खाना लेके आया था सवेरे, हम खाने के से बच गए, और अंदर जाके पहले खाते हैं खाना, और फिर ट्रेन वाले से एक दो बंदे से भी बातचीत करेंगे कि क्या मतलब उनके लिए कहाँ जाना है ना, क्या काम था उनको, कोई इमरजेंसी तो नहीं थी, तो आपको भी दिखाएंगे वो। तो चलिए अभी चलते हैं फिर हम अंदर, खाना खुना खा के फिर मिलते हैं। और अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि शाम भी लग सकती है। ज्यादातर जो चक्का जाम हुआ है आज तक शाम को ही खुलता है वो, और कई बार तो 2-2 दिन का भी लगा है। तो चलिए फिर अभी देखते हैं कितना टाइम लग सकता है। और ये तो बस पोपट हो गया आज हमारे साथ। तो चलिए फिर चलते हैं। तो यहाँ भाई बैठा है और यहाँ मैं बैठा हूँ। कहाँ जाना है भाई जी आपको? भाई मुझे मेरठ जाना है। मेरठ भाई जाएगा मेरठ। तो यहाँ गाड़ी रुकी हुई है, यहाँ किसानों ने मोर्चा लगा रखा है, तो इस वजह से। आपको कहाँ पे जाना है जी?
मेरठ जाना है भाई, सभी को कहीं ना कहीं जाना ही है। और चलो तो भाई, हम भाई लेके आया था खाना घर से पैक करा के, आज यही है हमारा सहारा। अभी हम खाएंगे सब्जी, आलू गोभी की सब्जी है। और ट्रेन में उड़ चुकी है खुशबू। ये है गाइस परांठे, तो चलिए फिर खा के मिलते हैं। तो यार हम यहाँ 10:30 बजे के खड़े हैं और अभी भी ट्रेन रुकी हुई है यहाँ पे, देखते हैं कब चलेगी ट्रेन। हम तो बोर हो रहे हैं बैठे बैठे, आधे बंदे तो उतर के वापस चले भी गए हैं यहाँ से, और देखते हैं फिर कब चलती है ट्रेन। भाई अंदर बैठा है, बाहर बारिश हो रखी है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और मुझे कल यार ब्लॉग बनाने भी जाना था और मैं जा नहीं पाऊंगा, मुझे लग रहा है कल ब्लॉग बनाने। देखते हैं अगर ठीक टाइम से चला गया मैं तो चले जाएंगे ब्लॉग बनाने, बाकी वहीं जाके देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं, कब ट्रेन चलेगी, सारा चीज बताएंगे आपको। चलिए फिर चल। तो भाई 4 बज चुके हैं और अब जाके चलिए गाड़ी, देखो जस्ट अभी चली है गाड़ी। 4 बज चुके हैं यार, आगे इससे आगे भी एक गाड़ी खड़ी थी और यहाँ इससे पीछे भी एक गाड़ी खड़ी थी। आगे जो है, आगे किसान आंदोलन वालों ने वो जाम लगा रखा था, रेलवे ट्रैक पर भी और रोड पर भी चक्का जाम था, आज हमें पता नहीं था। और अब चलिए गाड़ी, 4 बज चुके और हम फंसे हुए थे 10:30 बजे के। तो यार अब जान में जान आइए, चलिए फिर अभी चलते हैं यार। बहुत वेट कर लिया। तो गाइस 7:10 हो चुके हैं और हम अब पहुंचे हैं रूम पे। आज यार सच में बहुत ज्यादा थक चुके हैं, बहुत बुरा हाल हो गया। चलिए फिर आज का ब्लॉग हम यहीं करते हैं खत्म, और कल देखते हैं हम कहाँ का ब्लॉग बनाएंगे, दिल्ली में घूमेंगे। हम यहीं है 10-15 दिन या 1 महीना, यहीं डेली ब्लॉग पाएंगे हम, सोच के तो मैं यही आया हूँ। देखते हैं कि हो पाता है या नहीं हो पाता, क्योंकि डेली ब्लॉग में यार बहुत दिक्कत हो जाती है, सवेरे बनाना फिर रात को एडिटिंग करना फिर अगले दिन डाल भी देना, और 2 GB नेट मिलता है, कई बार कैंसिल भी हो जाता है। तो कोशिश करेंगे हम डेली ब्लॉगिंग करेंगे। चलिए फिर आज का ब्लॉग क्या करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में।